वी आर लाइव नाउ, वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग का एक ही डिमांड था और एक क्वेश्चन बाकी रह गया था, वो था आपका कि सर प्रश्न क्रमांक 23 का सही उत्तर क्या होगा, मैथ कैसे भरना है सर ये भी तो सिखा दो। एंड फाइनली लो आपके सेट नंबर बी और यहां पर आपका सेट नंबर ए, दोनों को मैं भरने का तरीका बताने वाला हूं इस वीडियो में। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। देखिए, इसके लिए हमें हिंदुस्तान का मैप चाहिए और यहां पर आसपास में मैप है नहीं, तो फाइनली मैंने एटलस को हायर किया एंड एटलस से सभी चीज को दिखा दिखा कर बताने वाला हूं, ताकि तुम जब परीक्षा में भरो तो 100% सही भरो, पूरे में से पूरे मार्किंग होनी चाहिए। मतलब अगर ये प्रश्न 4 नंबर का है तो हमें चाहिए 4 में 4, हमें कुछ नहीं आता, हमें 4 में 4 चाहिए, मतलब 4 में 4 चाहिए, माँ कसम खा लो 4 में 4 चाहिए और आएगा देखना। देखो, सबसे पहले बता देता हूं, इसमें दिया है 8 और इसमें दिया है 8, ठीक। 8 में से कोई 4 आपको इसमें भरना है आपके सेट नंबर ए से, और सेट नंबर बी में अलग अलग दिया है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सेट नंबर बी कवर करते हैं फटाफट। ये हमारा हिंदुस्तान का मैप है, हम अपने प्यारे हिंदुस्तान को पहले देखते हैं, पहले उसका नतमस्तक होते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, जय हिंदुस्तान माता। अब हम आगे बढ़ते हैं हिंदुस्तान में भरना, ठीक। ये हमारा हिंदुस्तान हो गया, देख लो इतना प्यारा मेरा हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब हम फटाफट चलते हैं कि भरेंगे कैसे, बात ये भाई है ना, प्यारा हिंदुस्तान तो है लेकिन मैप भरते हुए बनना चाहिए। तो यहाँ पर मिडिल एजुकेशन आपके साथ है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। देखो, ये हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान है। सबसे पहले देखो बेटा, हम पेपर सेट नंबर बी के बच्चों के लिए बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोला है दुर्गापुर, आइए हम दिखाते हैं दुर्गापुर आप कहाँ पे लिखेंगे। ये देखो, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है और इधर आना आप, ये जहाँ छत्तीसगढ़, ये रहा आपका उड़ीसा और ये रहा आपका दुर्गापुर, ठीक। दुर्गापुर यहाँ पे दिखाना, दुर्गापुर आप बेस्ट वाली भर सकते हो, दोनों जगह दुर्गापुर है, ये रहा आपका दुर्गापुर, पहला हुआ कंप्लीट, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से मैप मिलेगा, दुर्गापुर आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख, लेकिन एक जगह लिखना और दोनों जगह लिखना, दोनों जगह लिख दो। लेकिन अगर सर बोले कि अरे यार आपने एक जगह ऐसे लिखा, तो गूगल करके दिखा देना दुर्गापुर सर दोनों जगह है ना, बाजा फाड़ा देंगे, नंबर काट लिए तो नंबर कटेगा नहीं, पक्का है वादा, ठीक है, क्योंकि तुम मिडिल एजुकेशन वीडियो देख रहे हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है जमशेदपुर, आइए दिखाते हैं, जमशेदपुर झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में दिखाता हूं, ये रहा आपका हिंदुस्तान का मैप और ये रहा हमारा झारखंड और ये रहा जमशेदपुर, देख लो जमशेदपुर, मैं गोला कर दूं इसीलिए, ठीक है, जमशेदपुर, ये भी क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दिखाना दुर्गापुर, उसके ऊपर दिखाना जमशेदपुर, ठीक, टेंशन मतलब एक साथ ही बता दूंगा। आगे देखते हैं भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में है, तो जमशेदपुर है, जमशेदपुर के नीचे जहाँ रायगढ़ दिख रहा है वहां पे कर देना भिलाई। नेक्स्ट कहता है बोकारो, आइए बोकारो पावर प्लांट दिखाते हैं, अरे सब दिखाएंगे भैया, ये देखो बोकारो, ये आपका झारखंड है, ये रहा ऊपर बोकारो, है ना, अब समझ गए, इतना तो समझ गए सेट नंबर बी वाले। अब जरा समझो कि भरोगे कैसे हिंदुस्तान के मैप में, आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से हिंदुस्तान का मैप, ठीक है। सबसे पहले बोलेगा दुर्गापुर, तो हिंदुस्तान के मैप में यहां पर दुर्गापुर लिख सकते हो और यहां पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जमशेदपुर बोलेगा, तो जमशेदपुर आपको छत्तीसगढ़ में यहां लिखना है जमशेदपुर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कहेगा भिलाई, तो भिलाई आपको नीचे लिखना है, देखो लिखा भी है, देखो लिखा है भिलाई आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट बोलेगा बोकारो, तो बोकारो पावर प्लांट आपके यहाँ है, झारखंड में, तो यहाँ पे लिख देना बोकारो, फुन्नी में चाह बैठा है बोकारो, ठीक है, नंदरेठी दबा देता है, ये आपको बोकारो हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेट नंबर ए वाले बच्चे देख लें फटाफट। सबसे पहले आपसे बोला चेन्नई बंदरगाह, आइए दिखाती है हमारे प्यारे हिंदुस्तान मैप को, ये रहा चेन्नई बंदरगाह, है ना, हिंदुस्तान के नीचे है चेन्नई बंदरगाह और चेन्नई के ऊपर क्या लिखा है विशाखापट्टनम, तो ये रहा ऊपर विशाखापट्टनम, मतलब चेन्नई नीचे फिर ऊपर विशाखापट्टनम, ध्यान रखना केवल 4 लिख करके आना है, ठीक है, तो चेन्नई ये रहा विशाखापट्टनम। आगे देखते हैं नेक्स्ट, बैलाडीला की खान कहाँ है, ये भी छत्तीसगढ़ में है, ठीक, तो छत्तीसगढ़ में नीचे है बैलाडीला खान, यहाँ पर रायपुर देख रहे हो, रायपुर के नीचे यहाँ पर लिखे हैं बैलाडीला की खान, यहीं पर है बैलाडीला की खान, ठीक। नेक्स्ट क्या कहता है आपको, एक और दिखा देता हूँ, चेन्नई दिखा दिया, विशाखापट्टनम दिखा दिया, बैलाडीला दिखा दिया, और मैं आपको दिखा देता हूँ जमशेदपुर, इसे पूछा है जमशेदपुर, आई जमशेदपुर दिखाता हूँ, ये रहा झारखंड है आपका, ये रहा जमशेदपुर। अब बताओ एक नंबर का गलत हो जाए तो बताना, पूरा का पूरा कवर करा दिया भाई, पूरा कवर करा दिया। अब इसमें तारापुर है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और क्या क्या दिया है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिया है, और क्या दिया है, कांद्रेमुख दिया है, और क्या दिया है, बैरन ज्वालामुखी, ये सब कुछ मतलब नहीं है, हमने तुम्हें काम का हुआ चीज बता दिया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और अगर सर एक नंबर काट रहे मैप पे तो मुझे जरूर बताना, तो मुझे सर का अपने नंबर देना, अगर नंबर कट जाए तो एक नंबर भी नहीं कटेगा, पक्का है वादा, आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख रहे हो। चलो मैं वीडियो क्यों करता हूँ, जल्दी मिलते हैं कुछ तगड़े कॉन्टेंट साथ और गणित के पेपर के साथ, बाय बाय।